सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर जादव ब्रदर्स। और अभी जस्ट मेरा इमिग्रेशन हो चुका है, बेनापोल से मैं आ चुका हूँ इंडिया में, और अभी मैं इंडिया बॉर्डर में हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स हावड़ा स्टेशन, जहाँ से मेरी ट्रेन है टूवर्ड्स मुंबई। तो बहुत टाइम लग गया मुझे, मैंने डॉट 6 o'clock को, 6 PM को जब बॉर्डर बंद होता है उसके उस टाइम पे मैंने एंट्री मारा बेनापोल पे। और लकीली मुझे और मेरे कलीग को अलाउ कर दिया उन्होंने कि तुम फिर जाओ फटाफट। तो 6:15 हो गए, तो 6:15 को मैंने इंडिया में एंट्री मार दिया। अभी यहाँ से जाऊँगा मैं बुनगांव, और बुनगांव से जाऊँगा फिर मैं सियालदा। तो सियालदा से ऑफिस मेरे को टैक्सी पकड़ के पहुँचना है कोलकाता हावड़ा। तो हावड़ा में जाना है, तो हावड़ा से तो मेरी ट्रेन है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि मेरे को ट्रेन मेरे को मिल पाएगी। तो फिर भी मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। तो अभी मैं जस्ट निकल रहा हूँ बुनगांव के लिए, और फिर वहां से भी ट्रेन पकड़ूंगा। तो चलो मेरे साथ में आगे की जर्नी के लिए, और फिर मिलता हूँ तुमको हावड़ा में, देखते हुए क्या टाइम है और वो हिसाब से मेरी ट्रेन है कि नहीं, वो भी मुझे मालूम पड़ेगा। तो चलो लेट्स गो, बहुत थक गया हूँ मैं। तो ये है अपना हावड़ा स्टेशन, अभी मैं जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए, लेकिन टिकट अवेलेबल नहीं है। तो एक्चुअली जो मेरी ट्रेन थी 9:05 की, वो मिस हो गई है, शालीमार एक्सप्रेस। मैं लेट हो गया बहुत, तो फिर अब मैं जा रहा हूँ दूसरे ट्रेन में, जो कि है हावड़ा पुणे एक्सप्रेस, और उससे मैं उतरूँगा टूवर्ड्स नागपुर। और फिर नागपुर उतर के फिर मैं वापिस, कल रात को मेरी ट्रेन है वापिस से दुरंतो एक्सप्रेस, फिर मैं उससे जाऊँगा टूवर्ड्स मुंबई। तो ये मेरी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी हो गई है, हेक्टिक जर्नी हो गई है बहुत, बट कोई ऑप्शन नहीं था। सिचुएशन से ऐसी हो गई थी आराइस की पूछो मत। तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके कैसा पहुंचा हूँ बेनापोल का, वो मुझे पता है। मैं डॉट 6 o'clock को, 6 PM को मैं निकला हूँ बाहर में। तो फिर ये है मेरा ट्रेन हावड़ा पुणे एक्सप्रेस, और हमारा जो कोच है, जो हमारे कलीग का जो कोच है, उसका है B4। तो मैं जा रहा हूँ B4 में अभी। तो ट्रेन का नंबर है मेरे 12129। आज मैं जा रहा हूँ टूवर्ड मुंबई, लेकिन मेरी जो ट्रेन थी शालीमार एक्सप्रेस वो मिस हो गई है, और फिर मैं दूसरा ट्रेन में घुस गया हूँ फ्रॉम हावड़ा। तो ये ट्रेन का नाम है हावड़ा पुणे एक्सप्रेस। मैं इसमें घुस चुका हूँ, लेकिन वो सीट तो मिली नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ टीसी का, मेरा टीसी का मुझे सीट अलॉट कर रहा है। तो मैं भी कल जा रहा हूँ मेरा नागपुर, नागपुर से भी मेरा नया ट्रेन का टिकट है। तो फिर रात को मैं कल पहुँचूँगा नागपुर को 3 बजे, और मैं वहाँ से निकलूँगा फिर टूवर्ड्स मुंबई। तो फिर चलिए मेरे साथ भी ये वाला सफर इंजॉय कीजिए। एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो गया था बेनापोल बॉर्डर से आते आते यहाँ तक, तो मेरी ट्रेन मिस हो गई 9 बजे, 9:05 ट्रेन थी मेरी शालीमार एक्सप्रेस, वो मिस हो गई मेरी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे हावड़ा में हावड़ा पुणे एक्सप्रेस में घुसना पड़ा, और मैं घुस गया, कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रेन का नाम है आजाद हिंद एक्सप्रेस, जो जाती पुणे तलब हावड़ा। फिर मैंने अभी जस्ट बात किया टीसी से, उनका पूछा कब टिकट का मालूम पड़ेगा, कब कन्फर्म होगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ बोल नहीं सकता अभी फिलहाल, बोला कि टाटा नगर या फिर भरतपुर, ये दो जब स्टॉप आएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि तुमको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ भरतपुर आने का, पहला भरतपुर आएगा फिर आएगा टाटा नगर, तो वेट कर रहा हूँ मैं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि मैं ट्रेन के अंदर हूँ, वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और मैं जा रहा हूँ टूवर्ड नागपुर और मुंबई भी रहूँगा। तो अगर मैं नहीं घुसता इस ट्रेन के अंदर, तो मुझे हावड़ा में रहना पड़ता था रात भर होटल लेके। तो मैं वैसा किया नहीं, मैं बोला चलो ट्रेन में घुस जाते, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं
गए थे नागपुर का, नागपुर पहला पूरा नागपुर का शौक लेके वहाँ से बाहर उतरूंगा, उसके बाद से मैं रेड एड करूँगा जो मेरा बुक हो चुका है लेकिन वेटिंग लिस्ट बोला चलो तो फिर ये अपना स्टेशन खड़गपुर। तो अभी ट्रेन पहुंची है खड़गपुर जंक्शन पे, तो अभी मैं वेट करता हूँ मेरे टिकट का, कुछ अगर कोई सीट रहेगी तो मिल जाएगी मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रात हो गई तो यहाँ पे बहुत ठंडी है फ्रेंड्स, बहुत ठंडी है, मतलब ठंडी की अब पूछो मत, मतलब फुल पानी भी ठंडा हो चुका है पूरा, हाथ मुँह धो नहीं पा रहे हो, इतनी हालत है यहाँ पर। और ये है अपना बाहर का नज़ारा, तो फिर इस मौसम में अगर आपके पास स्लीपर का सीट है तो आपकी तो वाट लग गई समझ जाओ, मुझे तो अच्छा था कि मेरे पास एसी का सीट था और मुझे कल लकीली टिकट मिल गया, देखो डीसी ने टिकट दे दिया 2000 रुपये लेके, तो अच्छा हुआ, नागपुर तो आराम से बैठ के जाऊंगा अभी, देखिए बहुत ठंड है फ्रेंड बहुत। एसी ग्रेड की वजह से आपका जो अंदर का टेम्परेचर होता है पूरा कंट्रोल हो जाता है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रेन ने अभी रायगढ़ पास किया और इसका पहुंचेगा था 7:30 बजे एट रूपा जंक्शन, लेकिन लेट हो गई है, पहुंची नहीं है, 9 बजे इतनी कम पहुंचती है और ट्रेन का स्पीड तो बहुत बढ़िया है, मतलब एक्सप्रेस है। लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं ट्रेन, अपना चंपा जंक्शन। तो एट लास्ट अब चंपा पहुंच गया चंपा जंक्शन, 2 घंटा लेट है ऑलमोस्ट ट्रेन, फिर भी अब पहुंच गया है चंपा जंक्शन पे, तो देखते हैं अभी हम नागपुर का पहुंचता हूँ मैं, टाइमिंग तो 4 बजे का नागपुर पहुंचने का, लेकिन मेरे को लगता है मैं 4 बजे पहुंचूंगा, शायद 5-5:30 बजे पहुंचूंगा मैं, तो अच्छा है मेरे लिए क्योंकि मेरा ट्रेन दुरंतो जो है वो 8 बजे है, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो फिर अभी मैं पहुंचा हूँ बिलासपुर जंक्शन, तो फिर ट्रेन पहुंची चुकी थी 9 बजे लेकिन पहुंची है 10:30 बजे, तो 1.5 आवर ट्रेन लेट है।
अभी ट्रेन निकल पड़ी है फ्रॉम बिलासपुर जंक्शन। साइड में और एक ट्रेन लगी है जो जा रही है बिलासपुर भगत की कोठी पे, बिलासपुर तो भगत की कोठी। अपना भटपाड़ा स्टेशन तो फिर अभी मैं पहुंचा भटपाड़ा जंक्शन स्टेशन है कि यहाँ पे ज्यादा हॉल्ट नहीं होगा, 2 या 3 मिनट का हॉल्ट होगा और फिर नेक्स्ट स्टेशन होगा सर रायपुर। नेटवर्क नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, भाई को मैसेज कर दे।
तो अभी मैं पहुंचा हूँ राजनाथ गांव स्टेशन में। यहाँ पे ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, तो 2 मिनट का हॉल्ट है। तो फिर मैं अभी पहुंच गया हूँ गोंदिया जंक्शन। एंट्री मार दी मैंने महाराष्ट्र में। तो अभी यहाँ से और 2 स्टेशन्स है नागपुर, और फिर मैं उतरूँगा और जाऊँगा फिर, और वेट करूँगा मेरा नेक्स्ट ट्रेन का। तो देखते हैं यहाँ पे कितना हॉल्ट है अभी। तो इसके बाद में फिर आएगा तुमसर, फिर आएगा भंडारा, फिर आएगा नागपुर। तो फिर 3 स्टेशन्स है। तो फिर मैं अभी पहुंच गया तुमसर रोड। यहाँ से एग्जैक्टली 1 आवर लगेगा मेरे को नागपुर पहुंचने के लिए। तो एक जर्नी मेरी ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी। फिर चलिए टुवर्ड्स नागपुर। इतनी लंबी जर्नी का बहुत हेक्टिक होती है, इतनी लंबी जर्नी आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है जो, और 24 आवर्स जर्नी करने का। लेट्स सी। Yeah.
तो इसी प्रकार मैं उतर गया नागपुर को लेके। मेरा प्लान है कि मैं वापस से जाऊंगा पुणे की तरह, क्योंकि जो मेरा ट्रेन था रात का दुरंतो का कन्फर्म नहीं हुआ है, तो मुझे वापस पुणे जाना पड़ेगा ये ट्रेन से। सोच रहा हूँ कि वही समझदारी है कि इसमें बैठ जाओ और निकल जाओ, और वहाँ से फिर बस से मैं मुंबई का आऊँगा। तो चलो देखते हैं, टीसी को मिलता हो क्या बोलता हो देखते हैं आगे फिर। तो अभी मैं पहुँचा हूँ वर्धा स्टेशन, और 7 बजे पहुँची है, तो यहाँ से और 12 घंटा लगेगा मेरे को पुणे पहुँचने के लिए। तो बहुत दूर है तुम्हारी जर्नी, पूरी वाट लगने वाली मेरी। फिर मॉर्निंग का टाइम है और मैं पहुंच गया दाउंड को, तो अभी मैं कुछ ही टाइम पे पुणे पहुंच जाऊंगा। और यहाँ तो पूरा फॉग ही फॉग है, बहुत ठंड है, आप नज़ारा देख सकते हैं मेरे सामने फॉग का। फिर एट लास्ट मैंने मेरा प्लान चेंज कर दिया, कल रात को ही मैं नागपुर रुका नहीं, मैं सेम ट्रेन से कंटिन्यू किया टुवर्ड्स पुणे, और अभी मैं उतरूंगा पुणे में और फिर जाऊंगा टुवर्ड्स मुंबई फ्रॉम बस बाय बस। ये मेरा प्लान है। ये व्यू बहुत ही अमेजिंग है। तो ये है मेरी ट्रेन, हावड़ा पुणे एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आज़ाद हिंद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो जा रही है टूवर्ड्स पुणे। सुबह के 7:15 बज रहे हैं, लेकिन ट्रेन लेट हो गई है। ट्रेन कभी रहना चाहिए तो पुणे में, लेकिन पुणे पहुंची नहीं है, दौंड में है। कम से कम 9:30 बजे तक पूरा। तो ये बाहर का वेदर देख सकते हैं आप, इतना ब्यूटीफुल है, फुल फॉग फॉग, कोहरा ही कोहरा। तो इसी प्रकार मैं उतर गया हूँ पुणे स्टेशन को, रामे जरा टूवर्ड्स बस स्टॉप, देखते हैं बस स्टॉप किधर है, मुझे पता नहीं है। तो इसी प्रकार मैं उतर गया हूँ पुणे स्टेशन को, रामे जरा टूवर्ड्स बस स्टॉप, वहाँ से मैं बस पकड़ूंगा टूवर्ड्स मुंबई। फिर आपको ये मेरी जर्नी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए, अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है, बट स्टिल मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।
और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, मेरी ट्रैवलिंग जर्नी अच्छी लग रही है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।